अनुपमा मैं जा रहा हूँ। मम्मी कॉफी। मम्मी मेरा टिफिन। अनुपमा मेरा लैपटॉप बैग कहाँ है? चाय में शक्कर क्यों कम है? सारी शक्कर मायके वालों को दे आई क्या? बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। चार्जर नहीं मिल रहा है अनुपमा। मम्मी मेरे हेडफोन्स देखे। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेज रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने तीन जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी। रूही, अरमान और अभीरा। वक्त तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। चाय। तुमने मुझे टफ टाइम्स में सपोर्ट किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी अनुपमा। आई नो तुम अकेली हो गई हो, अब ना ही घर रहा, ना ही फैमिली, ना ही हस्बैंड और ना ही सौतन। आई मीन अब तुम वनराज की पत्नी नहीं रही ना, इसलिए हमारा भी वो रिश्ता नहीं रहा जो था। लेकिन दोस्ती हमेशा रहेगी। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें शादी के बाद भी उस घर में किसी से भी मिलने से नहीं रोकूंगी। हाँ, इनफैक्ट वनराज को भी तुमसे बात करने से नहीं रोकूंगी। तुम्हें पता है अनुपमा, मुझे लगता था कि जिस दिन तुम्हारा और वनराज का डिवोर्स हो जाएगा ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। लेकिन अब तुम्हारा दुख देखकर मेरा खुश होने का मन नहीं कर रहा है। मुझे कोई दुख नहीं है काफिया। अगर खुशी भी तो नहीं है ना, I mean, अकेले कोई खुश कैसे रह सकता है? बट anyway, तुम्हें ये जिंदगी चाहिए थी, तुम्हें मिल गई। जन्म मिलता है काव्या, जिंदगी बनानी पड़ती है। मैं भी बनाऊंगी, तिनका तिनका जोड़कर एक नई जिंदगी। चाय के लिए थैंक यू। इट्स ओके, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बता देना। ओके मैं तो अपनी जिंदगी बना लूंगी काव्या, पर तुम कोशिश करना कि परिवार के मन में अपने लिए जगह बना लो। कोई और पेशेंट होता तो मैं बात शायद घुमा फिरा के कहता, लेकिन चूंकि आप हैं, मैं जानता हूं कि आपको सीधी बात कहना पसंद है और सीधी बात सुनना पसंद है। मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। जी, आपकी बायोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। आपका ट्यूमर मेलिग्नेंट है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो आपको कैंसर। Oh,
इसका इलाज हो सकता है ना? जी हाँ, ऑफ कोर्स, बस ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपसे एक विनती है, मेरे परिवार को कुछ मत बताइएगा। कल समर की सगाई है ना, तो घर में खुशी का माहौल है, और आप तो जानते हैं कि आज सब वैसे भी बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनकी परेशानी और बढ़ जाए। जी जी, ऑपरेशन अभी करना है? नहीं, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद ऑपरेशन करेंगे। तो आप अभी से इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं आप जो जो कहेंगे सब करूंगी, टेम टू टेम दवाई लूंगी, कसरत करूंगी, परहेज करूंगी, और ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द ठीक होके काम शुरू कर दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप इतनी नॉर्मल कैसे हैं। आमतौर पर इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुनने के बाद बाकी पेशेंट्स रोने लगते हैं। रोने से बीमारी भाग जाएगी? अगर ऐसा होगा तो कान्हा जी की कसम मैं रो रो के बाढ़ ले आऊंगी। पर जब रोने से कुछ होगा ही नहीं तो मैं क्यों रो रो के अपनी आंखें सुजा लूंगी? लेकिन आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा अभी रस्सी कूदने जा रही हूँ। पता है मेरे बाबा कहते थे कि बीमारी आधी तन में होती है आधी मन में। तन की बीमारी से तो डॉक्टर लड़ लेते हैं, बस मन की बीमारी से अपने आप लड़ना पड़ता है। पर लड़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हाथापाई करो, हमें तो बस मुस्कुराना होता है, हंसना होता है, ताकि बीमारी अपने आप तंग आके गुस्सा होके भाग जाए। या जैसे आपकी जिंदगी इस वक्त जिस मोड़ पे है ना, वहां पर हंसना मुश्किल है। हंसना आसान होता तो सब हंस रहे होते। हंसने के लिए हौसला चाहिए होता है। हौसला है आप में? बस हौसला ही तो है गुरुजी। चलिए आपके अंदर हौसला है ना, तो इस बीमारी को मैं और आप हम दोनों ना मिलकर साथ में पीट कर भगाते हैं। हाँ। एक मिनट, देखिए भाई, मेडिसिन और थेरेपी अपनी जगह है, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा योगा और प्राणायाम। हाँ। और ये रही आपकी बढ़िया बढ़िया मसाला चाय। थैंक यू। और हाँ, लिखिए। हाँ? चीनी, तेल, मसाले, घी वगैरह वगैरह, इस तरीके की जितनी चीजें हैं ना, ये आपके लिए बिल्कुल बंद। बंद? कम करके काम नहीं चलेगा? कम मतलब इन्ना वाला कम, इन्ना वाला कम नहीं। ओके, इन्ना कम। ये तो बहुत ही कम है। मैंने तो सब कुछ लिख दिया है, अब आप भी इसके नीचे फटाफट लिख दीजिए यहाँ का सारा बिल। अनुपमा कमाल कर रही हो। ये आप is... मेरे दोस्त हैं ना? हाँ हो, तो दोस्त कीजिए ना, दया नहीं। हाँ, पर आप मुझे डिस्काउंट देना चाहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगी। सच में? हो। और आप ये जरा भी मत सोचिएगा कि मैं इलाज के पैसे नहीं दे पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। ईमानदारी से लिखिएगा, सच्ची सच्ची। इतना? थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा? आपने कहा था ईमानदारी से लिखो, तो मैंने कहा ईमानदारी से लिख देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, पर धीरे धीरे। पर आपने ये तो बताया नहीं कि आप करती क्या। मेरी स्वीटी है पाकी, उसके स्कूल में कुकिंग सिखाती हूँ, और समर के साथ ऑनलाइन डांस क्लास भी करती हूँ।